हेलो फ्रेंड, मैं सकीना खान सखी गार्डन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। फ्रेंड, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूं। देखिए फ्रेंड, ये पौधा मैं आपको दिखा रही हूं, इसे आप पहचान लें। आप जानते तो होंगे ये बारिश के महीने में हर जगह निकल आता है, लेकिन ये एक पौधा ही नहीं, ये हीरे से भी ज़्यादा कीमती जड़ी बूटी है। देख ली फ्रेंड, पहचान लीजिए, इसको कहते हैं जंगली गोभी। ये देखिए, ये हमारे गार्डन में 3-4 पेड़ निकल आए हैं। वैसे उसमें तमाम पेड़ निकल आते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कीमती है। ये देख लिए, ये जो पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, किसी की खूनी होती है, किसी की बादी होती है, तो ये उसमें तो रामबाण इलाज है। ये देख लीजिए, इसके पत्तों को पीस लें और उसमें काली मिर्च थोड़ी मिला लें, करीब 5-6 काली मिर्च 5 ग्राम और 5 ग्राम मिश्री मिला लें, और तीनों को पीस करके उसका अर्क सुबह शाम पिएं, तो कैसी भी आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम होगी वो मस्से आपके सूख जाएंगे और खून आना बंद हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, और दूसरी बात यह है कि ये हमारे जैसे कीड़े हो जाते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों के, जैसे चुनचुने बोलते हैं, तो इसका रस निकाल कर और उसमें कॉटन में ले लें और उससे उन चुनचुनों पर यानी बच्चों के लगाने से, मल द्वार में जो खुजली होती है उसमें लगाने से वो कीड़े मर जाते हैं और खुजली भी समाप्त हो जाती है। देखिए फ्रेंड, कितना अच्छा पौधा है ये, है ना, हीरे से भी ज़्यादा कीमती और हर जगह मिल जाता है, कैसे भी अपना उपयोग कर लो इसको, तो ये बहुत अच्छा होता है। ये ज़मीन पे होता है, एक छत्ते की तरह फैलता है ये। अच्छा, इसका जो है ना, एक लंबी डंडी जो निकलती है, पहचान बता रही हूँ मैं इसकी, तो उसमें पीले कलर का फूल भी होता है, आप आराम से पहचान भी सकते हैं। इसकी पत्ती तोड़ने पर इसमें हल्की अजवाइन जैसी खुशबू आती है। इसके औषधि गुण तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो ठीक है फ्रेंड, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये हमारा यूट्यूब चैनल सखी गार्डन है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्त, क्योंकि अगर आप उसको नहीं दबाएंगे तो हमारी जो नई वीडियो होंगी मैं डालूंगी वो आप तक नहीं पहुँच पाएंगी, तो उसे जो है ना दबाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दें और अपने जितने भी फ्रेंड्स करके हैं उनको बताएं आप ये आयुर्वेदिक दवाई, उसमें शेयर ज़रूर कर दें। तो ठीक है फ्रेंड, देखिए कितना अच्छा है, पहचान लीजिए आराम से। ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, ये हर जगह मिल जाता है, जैसे आप जंगल में जाएंगे या रोड पर कहीं जाएंगे, अधिकांश ये बारिश के ही मौसम में निकलता है। वैसे इसके बहुत से हैं, जैसे गले में सूजन होने पर इसके पत्तों का रस निकाल करके चम्मच पर पानी मिलाकर उसे पिएं तो आराम मिलता है। इसका काढ़ा बना करके पिएं, वो बहुत आराम होता है। पेट में अगर परेशानी है तो वो भी ख़त्म हो जाती है। देखिए कितना अच्छा है, इसका रस पीने से घाव जल्दी भर जाता है, कहीं का भी घाव हो उस पर लगा लो आप, वो जल्दी मिट जाता है। अगर पेशाब में जलन है तो इसका काढ़ा बना करके पिएं तो पेशाब में जलन एकदम से तुरंत बंद हो जाती है, बहुत आराम मिलता है, बहुत। नहीं तो आप करके देख लीजिए, ये बहुत, क्योंकि ये हमारा आजमाया हुआ नुस्खा है। जब मैं गांव में थी, छोटी थी, तो हम लोगों ने बहुत इस्तेमाल किया। तो ठीक है फ्रेंड, अब मैं चलती हूँ, फिर कल आपके पास मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तो बाय बाय दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।